अकेला, मैंने ना कल 4 एप्पल्स तुमसे छुपा कर रखे थे, अब कहीं मिल नहीं रहे। तुमने देखे क्या? हाँ, देखे। लेकिन मैंने तो छुपा कर रखे थे। कोई अपने तकिए के ऊपर एप्पल्स छुपा कर कैसे सो सकता है यार, दिखेंगे ही ना। अरे तुम मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? गौर से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, दिखेंगे। हाँ, ये तो मेरे एप्पल से पकेला। क्या कर रहे हो तुम मेरे एप्पल्स के साथ पकेला? जगलिंग, मेरे अनेक टैलेंट्स में से एक। लेकिन मुझे भूख लगी, उसका क्या? ये तुम्हारा पुराना प्रॉब्लम है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अरे इतनी जोर से उछाले कि सेब वापस ही नहीं है। ये क्या है थकेला? तुम्हारे नए टैलेंट से मेरा पुराना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ओके? ये क्या किया तुमने? शेफ, शेफ पर लिखा है खाने वाले का नाम। गाल गाल पर लिखा है थप्पड़ खाने वाले का नाम। पकेला! ये मेरी सब्जियां हैं, गिर गई, लाओ मुझे वापस करो। पकेला, तुमने गिराई है सारी सब्जियां, इसे हेल्प करो। लेकिन ये तो खुद ही गिरे हुए हैं, ये क्या सब्जियां उठाएंगे? तुम हमें देख सकते हो? हाँ, क्यों? तुम भूत हो क्या जो किसी किसी को दिखाई देते हो? हाँ हाँ, सच में मैं भूत हूँ। हम सिर्फ उन्हें ही दिखते हैं जो मुसीबत में हो, और तुम कोई मुसीबत में हो, है ना मेरे दोस्त? मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अभी हो जाएगा। हम हैं दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए गोस्ट। आज से 10 दिन पहले हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए थे। नमस्ते भाभी जी, मैं करण और ये मेरी वाइफ स्वीटी। हम अजय भाई के दूर के चचा के बेटे हैं। यहाँ घूमने आए थे तो सोचा भाई से मिलते चले। हा? वो तो घर पे नहीं है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, हम शाम को उनसे मिल लेंगे। हाँ। वैसे भी हम 4-5 दिन यहाँ रहने वाले हैं ना। लेकिन वो तो मस्कत गए हैं, 1 साल बाद लौटने वाले हैं। ओहो अच्छा, अब चलिए कोई बात नहीं, अब आए हैं तो कुछ दिन तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा ना। आते ही उनके ऑर्डर्स चालू हो गए। बेटा, हमारे ये सामान जरा अंदर रूम में रख देना। हा? विकी, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, उनके काम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, समझे बेटा? अच्छा भाभी जी, अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो क्या है ना, सफर की वजह से बहुत थकान हो गई है। दोपहर के खाने के लिए आप दाल मखनी, कोफ्ता और पनीर बना लीजिएगा, दरअसल इन्हें पनीर बहुत पसंद है। और भाभी जी, स्वीटी तो बिना आइसक्रीम के रह ही नहीं सकती है। हाँ, खाने के बाद विकी ले आएगा, क्यों विकी? अरे स्वीटी, तुम हमारी फेवरेट डिशेस की लिस्ट भाभी जी को दे दो ना। पापा से बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद दूर के रिश्तेदार होंगे, इनके 2-4 दिन खत्म ही नहीं हो रहे। मम्मी का सारा दिन किचन में निकल जाता है और मुझसे 10 काम करवाते हैं। डोंट वरी, ये है भूत बॉस, कर देते हैं बुराई का लॉस। अब चलोगे भी या डायलॉग बाजी में पूरा दिन निकालने का प्लान है? विकी, चलो थोड़ी मस्ती हो जाए। स्वीटी,
अचानक से कैसे गिर गए तुम? पता नहीं, चलते चलते मैं दीवार पर कैसे चढ़ गया और फिर वहाँ से गिर गया। लेकिन तुम दीवार पे चढ़े कैसे? वहाँ क्या करने गए थे? लगता है अंकल जाली साफ करने गए थे। बहुत दर्द हो रहा है, अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जहाँ हो पेशेंट वहीं डॉक्टर हाजिर। लगता है इनकी टांग में मोच आ गई। और मेरे दिमाग में एक सोच आ गई। मेरे हाथों में जादू है, एक ही झटके में इनकी टांग ठीक कर दूंगा। मैंने भी यही सोचा बॉस, सेफ्टी सेफ है। क्या बच्चों की तरह चीख रहे हो? अरे अभी तो मैंने दर्द देना शुरू किया है, आई मीन इलाज करना शुरू किया है। अरे ये क्या? मेरी एक टांग बड़ी कैसे हो गई? कोई बात नहीं, छोटी कर देते हैं। अरे ये तो पहले से भी छोटी हो गई, ये चलेंगे कैसे? कोई बात नहीं, बड़ी कर देते हैं। इनकी टांग अब किसी काम की नहीं। देखो मेरी टांगों को कुछ भी नहीं हुआ है, मैं चल सकता हूँ, मैं ठीक हो गया, मैं एकदम ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। अरे वाह, मेरे इलाज से ठीक हो गया, फिर से मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पानी, 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 पानी। अरे ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? खाना इतना तीखा कैसे? लेकिन मैंने तो कम मिर्ची के साथ ही खाना बनाया है, वो देखो विकी भी खा रहा है। हाँ अंकल, मैं भी वही खाना खा रहा हूँ, मुझे लगता है आपकी जुबान तीखी हो गई है। क्या हुआ आंटी? वहाँ उधर सांप है। आंटी ये तो रस्सी है। लेकिन वहाँ तो सांप था। ओफो, क्या आंटी आप भी, अब आप कहोगे कि आपके पीछे उस टहनी पर चमगादड़ है। अरे कोई चेयर को रोको, रोको! अरे ये क्या कर रही हो स्वीटी, क्या कर रही हो तुम? ये सब अपने आप हो रहा है। ये घर नहीं, भूतिया महल है, आप यहाँ और नहीं रहना। अरे आपको तो एक साल यहाँ रुकना है, और हमारी मेहमान नवाजी अभी खत्म कहाँ हुई है? अगर मेहमान नवाजी न की तो अजय भाई को बुरा लग जाएगा। अरे अरे कौन अजय भाई, हम तो उन्हें ठीक से जानते भी नहीं है। अरे अरे हम तो इनके रिश्तेदार भी नहीं है, बस इनके गांव से हैं। कौन हो आप लोग? वैसे तो घोस्ट हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं भूत बॉल। आई एम थकेला एंड आई एम पकेला। भाई बहुत परेशान किया आप लोगों ने इनको, और पता है अतिथि का मतलब होता है भगवान,
और जो इस बात का फायदा उठाता है वो पापी होता है। तो अब बताओ किसके घर जाकर रहना है? अरे हमें तो वापस गांव जाना है, खुद के घर पे बस। अच्छा भाभी जी, जाने अनजाने में ही सही हमने आपको बहुत तकलीफ दे दी, हमें माफ कर दीजिएगा। हाँ विक्की, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। इनका काम तो हो गया, लेकिन मेरा काम कब और कैसे होगा? बॉस, जमुना दास की कोठी के पीछे घने आम के पेड़ के नीचे एक खुफिया रास्ता है। उस रास्ते की खोली नंबर 666 में आपके सोने का इंतजाम कर रखा है। सेट है ना बॉस? तो देर किस बात की, चलो चलें।